तो हेलो बच्चों, नुआभा यूट्यूब चैनल के बोर्डाबा सेक्शन में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखिए, चलिए सेट थ्री आपका कंप्लीट कर देते हैं हिंदी का, ठीक है। हिंदी सेट थ्री तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी सेट थ्री ही चाहिए, हिंदी हम जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो चलिए हिंदी का सेट थ्री ये लेके आ गए हैं। 1.5 घंटे का आपका समय मिलता है, आपको पता होगा जैसा कि कक्षा 10 का है। हिंदी का सेट वन, सेट टू, लगभग सेट टू सभी का कंप्लीट कर दिया गया है, तो अब सेट टू तक सभी का देख सकते हैं। तो सभी का आपको वीडियोज़ मिल जाएगा हमारे वीडियोज़ के, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आप लोग देख सकें। तो प्लेलिस्ट में ही जाके अब हमारे जो भी मतलब सॉल्यूशन है, सभी के पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन है, सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन जो है वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो को लास्ट तक देखिए, सबसे अच्छा तरीका है वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। या फिर सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर किया कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लिया कीजिएगा। एक अच्छा, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर नाम दिख रहा होगा, वहाँ पर टेलीग्राम में दो टेलीग्राम ग्रुप हैं, बोर्ड आभा जैक बोर्ड और एक है बोर्ड आभा चैट ग्रुप। दोनों में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, वहाँ पर अपडेट उठी जानकारी सभी चीज़ मिलती है। ऊपर वाला जो दिख रहा है वहाँ पर आप लोग को सारे लेक्चर्स और नोट्स मिलते हैं, और सेकेंड वाला जो आपको दिख रहा है वहाँ पर आपको आपका बच्चे बात कर सकते हैं, आप लोग अपने आस पास में बात कर सकते हैं, सो भी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो दोनों में ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 अंक का है, ठीक है, सभी एक एक अंक के रहेंगे और कोई भी नेगेटिव आंसर कटेगा नहीं, नेगेटिव अंक मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चन का आंसर दे देना, ठीक है। चलिए देखिए पैसेज क्या दिया हुआ है कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वो है विचार शक्ति। तो विचार शक्ति यहाँ पर मेन आपका मतलब कि हो गया, एक तरह से समझिए इसी पर आपका मुख्य बिंदु है, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा कहानी। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सदा विचारों की नींव पर ही आज मनुष्य मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील व्यक्ति मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका वह मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान से वशीभूत हो जाता है। मानव बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होता है तो कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहता है। तो उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब जहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियाँ उसी पर हावी होती हैं। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है, ठीक है, कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ देती है, ठीक है। तो चलिए हम इसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है, तो यहाँ पे पूरा इर्द गिर्द घुमा है विवेक और विचारों के ऊपर, तो विवेक और विचारों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मनुष्यों की श्रेष्ठता की नींव क्या है, तो दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा सद्विचार है, आप लोग ऊपर पढ़ ही लिए। अच्छा बच्चों, हमारा दो चैनल है, एक नव आभा भी है, मैं बता दूं ये बोर्ड आभा में आप वीडियो देख रहे हैं, एक नव आभा जो मैंने लिखा है वो लिख के सर्च मारिएगा, NAVAABH है, नव आभा में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका सभी का आंसर की आप लोग का अपलोड किया जा रहा है। आंसर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर 100% एकदम करेक्ट आंसर की आप लोग का मतलब कि मॉडल पेपर का अपलोड किया जा रहा है, साथ ही साथ वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाती है। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी कर लो अभी, ठीक है, अभी कभी कर लेना तो अच्छा रहेगा। विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है, तो विचारों की पूंजी में कौन शामिल नहीं है, उत्साह शामिल नहीं है, बाकी तर्क बुद्धि विवेक सभी शामिल है। आप लोग ऊपर देख सकते हैं, अगर देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, तर्क है, बुद्धि है और विवेक है, लेकिन वो नहीं है, उत्साह नहीं है। मानव में पार्श्विक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है, तो फोर्थ का सी हो जाएगा, कुविचारों के कारण। सद्विचार का विलोम शब्द क्या है, तो दुर्विचार हो जाएगा, ठीक है, तो पाइप का बी हो जाएगा। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए।
थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। चलिए अब आप लोग देखिए, एक और तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इस तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानों में यूं तो भेद नज़र नहीं आएगा, है ना, एक पोछता बहते आंसू जी भर कर एक रुलाएगा। रचने से आप चाहता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, जो खुद मिटने वाले होते हुए रचते इतिहास नया, मंत्र नाश का नया पढ़ा करे जो कुछ द्वार द्वार पर जा करके, खुल खिलाने वाले रहते फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके, ठीक है। सृजन के आकाश से क्या आशय है? तो देखिए, फर्स्ट पैसेज मुझे आसान लगता है हमेशा, सेकंड पैसेज ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है आप लोग के लिए। सेकंड पैसेज में अंक लाना है तो व्याकरण और सेकंड पैसेज, ये सभी चीज़ों पर आपको स्कोर करना होगा। तो इस तरह के पैसेज का आप प्रैक्टिस कर लें सभी मॉडल पेपर से। सृजन के आकाश से क्या आशय है, तो क्या हो जाएगा आपका नए आकाश का बनना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है, तो क्या जोड़ के बनाती है, तिनका तिनका, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछ रहा है कि मानव और दानव में क्या अंतर है, ठीक है। तो मानव और दानव में ए हो जाएगा, मानव आंसू पोछते हैं और दानव आंसू लाते हैं, ठीक है। नाश का विलोम शब्द क्या है, तो नाश का विलोम शब्द 9 का सी हो जाएगा, सृजन, सृजन हो जाएगा। कविता का संदेश क्या है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे मानव दानों में बोलेंगे कि मानव के पास शक्ति नहीं है, दानों के पास होती है। यहाँ पे आपको पैसेज के अनुसार आंसर देना है, पैसेज किसके ऊपर घूम रहा है वो आपको देखना जरूरी है, यहाँ से देखना होगा। मानव और दानों यूँ तो भेद नज़र नहीं आएगा, एक पोछता बहते आंसू जी भरकर एक रुलाएगा, तो उसके आधार पर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो सही और गलत नहीं देखना है, कहानी कविता के अनुसार सही होता है। तो नाश का विलोम शब्द क्या है, तो नाश का पर्यायवाची हो गया ध्वंस, है ना, विनाश, सभी ये सभी उसी के पर्यायवाची, लेकिन सृजन इसका उल्टा हो जाएगा। 10th नंबर में देखिए कविता का संदेश क्या है, तो खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए, इसी पर कहानी घूम रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब व्याकरण में आ जाते हैं, चिड़िया आकाशमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो बच्चों आकाश में उड़ती है तो आपको देखना होगा, तो 11 का आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं व्याकरण से हमेशा बताता हूँ कि व्याकरण का मैंने क्लास लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लिया, उसका प्लेलिस्ट मैं ऐड कर दिया हूँ, आप लोग देख क्यों नहीं रहे पता नहीं मुझे, लेकिन उसको ज़रूर देख लीजिए, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। वहाँ पे मैंने क्रिया लिया है क्लास और अनेकार्थी शब्द का भी क्लास लिया है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में जो मैंने बताया, वीडियो को लास्ट तक देखिए, दिखेगा एंड स्क्रीन में, तो वो सारे वीडियोज़ आप लोग देखा करें, वो इंपॉर्टेंट है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, तो कर्म जब नहीं रहेगा तो अकर्मक हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो देखिए उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, बाद का भी होता है, उत्तर दिशा भी होता है। अनेकार्थी शब्द में भी मैंने क्लास लिया, वो आप देख लीजिएगा, दक्षिण दिशा इसका सही हो जाएगा। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या हो जाएगा, रातों रात, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर में क्या पूछ रहा है कि जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, तो पहला पद जहाँ पे अव्यय रहेगा और प्रधान होगा वो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, तो हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। याद रखिए एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य, जैसे वो जो खड़ी हैं वहाँ पर वो हमारी माता है, तो वो जो खड़ी हैं वो हमारी माता है, आश्रित उपवाक्य भी रहता है। राजा का महल राजमहल में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है, ठीक है, 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर में चलिए चलते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य में समुच्च बोधक, देखिए जहाँ पे सुयोजक हो जुड़ा हुआ हो, तथा किंतु और वो सभी, तो यहाँ पे और लगा हुआ है, तो मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं, यही आंसर सही हो जाएगा, वह हो गया समुच्च विस्म्यादि बोधक, ठीक है, बाकी आप ही वैसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, बच्चे गीत गा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चे पर जोर दिया जा रहा है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, तो वाच्य में कौन सा भेद होगा, इसमें देखिए कर्म पर जोर दिया जा रहा है, पेड़ पर जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्मवाच हो जाएगा जहाँ पे कर्म पर जोर दिया जाता है। अब चलिए हम पाठ्यपुस्तक में आ जाते हैं और आप लोग को गदांश पढ़कर उस पर 24 आंसर देना है, 21 से 24 देना था, उल्टा लिख दिया गया यहाँ पे, देखिए 21 से 24 तक, चलिए कोई बात नहीं। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाइए
कौन पे उद्धव ना ही परत कही। ये तो उद्धव और कृष्ण और गोपियों वाला प्रसंग है, तो आप लोग देख लीजिएगा सूरदास जी का। प्रस्तुत पद में किन की मन की बात मन में ही रह गई है, तो गोपियों की रह गई है, तो 21 का ये हो जाएगा। 22 देखो बच्चों, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया है, तो ये योग साधना का भिजवा दिया, जो कि उनको एकदम जरा सा भी पसंद नहीं आ रहा है। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई है, वो क्या हो गई, विरह की आग में जल उठी हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। 24 देखो क्या पूछ रहा है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो धर्म की नहीं प्रेम की, प्रेम की उन्होंने उल्लंघन कर दिया। उन लोग उनसे प्रेम करती थी लेकिन उनका सभी मर्यादा को उल्लंघन किन्होंने कर दिया, कृष्ण जी ने। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो 25 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ललित कल्पना बादल जो वहाँ पे है वही उसके अर्थ पर आधार पे पूछ रहा है, तो क्रांति चेतना और नव निर्माण और नव संचार की। 26 में देखो जलजात का मतलब होता है जलज, जो जल में उत्पन्न हो, तो कमल का फूल इसका आंसर सही हो जाएगा 26 का बी। नागार्जुन ने फसल के लिए किन 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 आवश्यक तत्वों की चर्चा की है, तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा उपयोग सभी, क्योंकि नदियों के पानी की भी बात कहा गया है, किसानों की मेहनत की बात किया गया है ना, सभी का मिट्टी का गुणधर्म भी मिलता है, तो देखो यहाँ पे ये भी आपका सही है, और सूर्य के किरणों का रूपांतरण है, सभी चीज़ें वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, उपयोग तो सभी हो जाएगा। अब हर बार मैं एक क्वेश्चन आपके पाठ्यपुस्तक से देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आज अबर की बार मेरा 28 नंबर रहेगा, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कौन सा है, देख लेते हैं, ये आपके लिए रहेगा। कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, ये नेताजी का चश्मा चैप्टर से है, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग सभी को कमेंट करना, इसी से मुझे पता चलेगा कि कौन सारे बच्चे यहां तक वीडियो को देखते हैं। नहीं देखते हैं, नहीं कमेंट करते, इसका मतलब आप लोग नहीं देखते, आप लोग बेपरवाह हो, ठीक है, लापरवाह हो, तो आप लोग को ये काम करना है, सभी को कमेंट करना है, तभी मुझे पता आएगा और मुझे भी लगेगा कि हम बच्चे देख रहे हैं, और सभी बच्चे शेयर कर दें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपका ये फर्ज बनता है, जब हमारी इतना मेहनत आपके लिए हो रही है, तो आप लोग सभी अपने सहेलियों दोस्तों जो भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, इतना मैं जानता हूँ कि सभी लड़कियाँ शेयर करती हैं, तो लड़कियाँ भी जरूर शेयर किया कीजिएगा, और लड़के भी सभी ग्रुप में भी शेयर किया कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को लड़के भी भेजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा ये चैनल थोड़ा सा ग्रो करे और आप लोग इसमें सपोर्ट करें, ठीक है। निर्देश प्रस्तुत है ना, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको 29 से 32 तक सही उत्तर का चयन करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी जीवन, या पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया, तो ये आपका वही है, नेताजी का चश्मा से ही लग रहा है। प्रस्तुत पद्यांश किस कहानी से लिया गया है, तो 29 का आपका हो जाएगा नेताजी का चश्मा। हालदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बों से गुजरे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 15 दिनों के बाद, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, 31 का ए हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आपको एक और चीज़ कमेंट करना है कि जो मूर्ति में था वो चश्मा कौन बदलते थे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले मॉडल टेस्ट में भी हो चुका है, कौन बदलते थे उनका चश्मा कमेंट करना है। हल्दार साहब को क्या लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, 32 का हो जाएगा बी, कैप्टन क्या हो गए थे, मर गए थे, यहाँ से बहुत कोई को हिंट मिल गया होगा। चलिए वो देखते हैं सही विकल्प क्या होगा। बाल गोविंद भगत ने बेटे के करियर में किससे आग दिलाई, किससे दिलाई थी, 33 का हो जाएगा आपका पतोहू से, ठीक है। सारे नियम कानून को वो नहीं मानते थे, वो एक मॉडर्न ज़माने के थे, अच्छे सोच के थे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताया कि श्रम बिंदु, देखें जब काम करते थे बाल गोविंद भगत, तो उनके ललाट पर क्या आ जाते थे, श्रम बिंदु, श्रम बिंदु को यहाँ पे कहने का मतलब था पसीने के बूंद आ जाते हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं, तो ये आपका 35 नंबर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत से ही ली गई हैं, ठीक है। 36 में देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, जब उनका एकलौता बेटा मर गया था, मारा, हाँ वही बी ऑप्शन होगा, मरा होगा या मारा लिख दिया गया। आगे देखिए 37 से 40 तक या लास्ट है, इसको भी पढ़ के देख लीजिएगा। झट पर हल्दी पीसकर हमारे गांव घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से माँ मैया के आंचल, माँ का आंचल का ही कभी कहानी का है। प्रस्तुत अंश किस कहानी से ले गया, माता का आंचल, 37 का ए हो जाएगा। लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस के लगाई, हल्दी लगाई, लेखक डर कर कहाँ छिप गए थे, माता के आंचल में। ये देखिए कितना अच्छा प्रसंग है, ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, श्री पूजन सहाय जी का। आप लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है बताइए, आपको हम मुझे ये कहानी सही में पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, पुरानी झलकियों को ये याद दिला देता है पुराने ज़माने की, ठीक है। माता के आंचल में, आप लोग के अगर माता पिता अगर इस कहानी को पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रफुल्लित हो जाएंगे, उनको पुरानी दिनों के याद आ जाएगा, ऐसा ऐसा कहानी में प्रसंग जुड़ा हुआ है। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, तो क्या मिला,
प्रेम और शांति, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने आपको सेट थ्री भी कंप्लीट कर दिया हिंदी का, तो सेट वन और सेट टू सभी का कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको दिखा दिया था, ज्वाइन कर लो, सभी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं कहना चाह रहा था कि सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी जितना भी सेट मैं डाल दे रहा हूँ सभी का करेक्ट करेक्ट 100% एकदम अच्छा सोल्यूशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी साथ दीजिए, सभी वीडियोज आप लोग देखा कीजिए और सभी का नोट्स अपनी कॉपी में बनाते जाइए। जो जो वीडियो में मैं कहता हूँ वो सभी करते जाइए। जैसे कि अभी आपको व्याकरण में वाक्य खत्म कर लेना है, फिर आपको क्रिया खत्म कर लेना है, मेरा वीडियो जो डाला हुआ 3-4 उसका भी हेल्प ले सकते हैं, अनेकार्थी शब्द भी, तो सभी सबको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे और इसी से नंबर कम ज़्यादा होता है। क्योंकि पाठ वाला चैप्टर सभी कोई पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण से ही नंबर आप लोगों को कम ज़्यादा हो जाता है, तो व्याकरण पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ध्यान, धन्यवाद।